सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे Samsung M32 के Android 12 बेस्ड फनी वाई 4.1 के स्टेबल अपडेट के बारे में। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक, 90 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं टेक दोस्त पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो M32 है इसके लिए ऑलरेडी जो एंड्रॉयड 12 का बीटा अपडेट था वो सैमसंग ने रोल आउट कर दिया था अप्रैल के स्टार्टिंग में, जो कि हमें कुछ समय के लिए देखने को मिला था। उसके बाद बीटा प्रोग्रामिंग को बंद कर दिया गया था। उसके बाद सैमसंग ने कुछ समय बाद एक बार फिर से बीटा प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी M32 के लिए एंड्रॉयड 12 बेस्ड वन UI 4.1 के साथ। तो काफ़ी सारे यूजर्स ने बीटा अपडेट्स में रजिस्टर करके अपडेट लिया, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने बीटा में रजिस्टर नहीं किया है और वो स्टेबल वर्जन पे हैं एंड्रॉयड 11 पे। तो वो मेरी वीडियोस पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि एंड्रॉयड 12 का स्टेबल अपडेट कब तक आएगा सैमसंग M32 के लिए। तो सैमसंग M32 के ऊपर सैमसंग टेस्टिंग कर रहा है। सैमसंग ने 13 जून को एक फर्मवेयर को टेस्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट टेस्ट बिल्ड नंबर और यहाँ पर वन UI अपडेट बता रहा है। तो एंड्रॉयड 12 की टेस्टिंग चल रही है सैमसंग M32 के लिए और M32 जो है वो जून में शेड्यूल है एंड्रॉयड 12 की अपडेट लिस्ट में। तो जून का महीना चल रहा है, तो सैमसंग अब कभी भी जो अपडेट है वो दे सकता है सैमसंग M32 के लिए। हो सकता है कि हमें 25 जून तक जो अपडेट है वो देखने को मिल जाए। तो देखते हैं सैमसंग फ्यूचर में क्या करता है। और भी अगर कोई न्यूज आती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।